तो फाइनली ही क्लास अटेंड कीजिएगा, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, यहाँ से आपके एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न बनते हैं मल्टीमीडिया, है ना। अगर आप मार्शल वर्ड आने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें नया सिलेबस आपका जारी हुआ है, जिसमें कंप्यूटर का आपका 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर? 30 नंबर। पहले 2016 में कितना पूछा जाता था आपका? 2016 में आपका 50 नंबर, ठीक। तो आपको 30 नंबर के कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो टोटल एमसीक्यू करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा प्रैक्टिस रहेगा, पूरा एक ही वीडियो में पूरा एक ही चैप्टर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो टोटल मैं आपको 30 वीडियो लेकर आऊंगा, कितने वीडियो? 30 वीडियो, पूरा चैप्टर वाइज मैं आपको पूरा क्लियर कराने वाला हूँ, ठीक। यूट्यूब पर तो बिल्कुल फ्री अपलोड किया ही जाएगा, बल्कि मेंबरशिप में आपको 499 रुपये फीस लगेगी, ठीक है, हॉस्टल वाले की क्लास के लिए, ठीक। दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखेंगे मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया बनाने से पहले, पढ़ने से पहले आप थ्योरी याद रखना हमेशा, कि हर एक एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक। पहली बार आए तो चैनल को क्या करोगे जी? सब्सक्राइब करके रखना। पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, क्योंकि जब भी मैं ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा, और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। देखिए कई लोग वीडियो को देखते हैं, 500 600 लोग वीडियो देखते हैं, और वीडियो में लाइक कितना आता है? 20 25। तो फिर मेरे पढ़ाने का मतलब ही क्या रह गया? जब आपको मैं बिल्कुल फ्री करा रहा हूँ, बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस करा रहा हूँ, है। चलिए पहले आप याद रखिएगा, तो मल्टीमीडिया होता क्या है, उसके बाद पूरा हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, पूरा का पूरा प्रश्न बनता है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीमीडिया होता क्या है। तो मल्टीमीडिया होता है ऑडियो वीडियो टेक्स्ट ग्राफिक्स एनिमेशन, यही आपका मल्टीमीडिया है। बस याद रखना, क्या क्या याद रखोगे आपका? ऑडियो वीडियो एनिमेशन चलचित्र टेक्स्ट, ये सभी क्या है आपके? मल्टीमीडिया है, ठीक। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, पहले इसको याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन उठा रहा है। इमेज, इमेज को और किस किस नाम से जाने जाते हैं? तो जीपीईजी यानी कि ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक। सेकेंड की बात करूँ जीआईएफ, तीसरा की बात करूँ बीएमपी, चौथे की बात करूँ टीआईएफ, और पांचवा बात करूँ पीएनजी। पीएनजी किस प्रकार का फाइल है? अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो पीएनजी आपका एक इमेज होता है, एक फोटोग्राफी है, ठीक। बीएमपी पूछा जाए ये आपका इमेज होगा, जीपीईजी पूछा जाए ये भी आपका इमेज होगा, है ना। एम, वीडियो को कैसे याद करोगे? कहीं भी सामने में एम दिख गया आपको, डायरेक्ट वीडियो, ठीक। अब वीडियो का मतलब होता है MP4। अब MP3 क्या हो गया जी? MP3 का आपका सॉन्ग हो गया, सॉन्ग मतलब गाना, ठीक। MP3 आपका सॉन्ग हो गया, गाना हो गया, ठीक, जबकि MP4 आपका वीडियो हो गया। उसके बाद है AVG, AVG, उसके बाद MPEG, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। MPEG, MPEG, MPG, MKV, MKV, QT, FLV, WMV, ये सभी प्रकार के वीडियो के नाम हैं, तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं बात करूँ ऑडियो, ऑडियो को क्या बोल सकते हैं हम? मीडिया यानी कि MP3, MIDI, AU, BWF, WAF, WAV, WMA, ये सभी आपके ऑडियो, ठीक। यहाँ से तो आपको क्लियर हो गया होगा पूरा टारगेट, पूरा कैसे तैयारी करना है, किस टाइप से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैं आपको बताऊँ। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, पहली बार आए तो चैनल को क्या करोगे? लाइक करके जाना, सब्सक्राइब तो करना ही है। चलिए देखते हैं GPGIF, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा यहाँ पर, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसको मैं डार्क लाइन में कर दिया हूँ, पीले कलर, ठीक। इसमें 8 बिट कलर होते हैं, कितने बिट कलर होते हैं? 8 बिट कलर होते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। मैं बात करूं देखिए मल्टीमीडिया का, एग्जाम पूछ लिया जाए कि मल्टीमीडिया क्या है, तो मल्टीमीडिया आपका एक टेक्स्ट है, रेखा चित्र है, एनिमेशन है, ऑडियो म्यूजिक, ये सभी आपके मल्टीमीडिया है। ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, एग्जाम में बार बार फुल फॉर्म से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ये 24 बिट कलर के इमेज का प्रयोग होता है, याद रखना। GIF यानी कि ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट,
ये 8 बिट कलर के होते हैं, जबकि ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट रूट 24 बिट के होते हैं। ठीक, अब थोड़ा थोड़ा ये याद रखना, मैं सर्कल आपको बता रहा हूँ। बीट मैप ग्राफिक, इसके बाद में टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पहले आप लोग थ्योरी समझिएगा कि मल्टीमीडिया होता क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बीट मैप इसमें चित्र या रेखा चित्र को बीट तथा पिक्सल में विभाजित कर कंप्यूटर पर स्टोर किया जाता है। स्कैनर तथा डिजिटल कैमरा के चित्र इसी में स्टोर किए जाते हैं, उसको बीट मैप कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बीट मैप होता क्या है, तो बीट मैप एक रेखा चित्र को बीट और पिक्सल में विभाजित कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है, ताकि कंप्यूटर पर इसको क्या कर दिया जाए, स्टोर कर सकते हैं। स्कैनर तथा डिजिटल कैमरा के इसी चित्र को स्टोर किया जाता है, उसको बिट मैप कहते हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, मेंबरशिप में भी मिलेगा, लेकिन यूट्यूब पर पूरा क्लासेस नहीं डलेगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पूरा क्लासेस नहीं डलेगा, मेंबरशिप में आपको पूरा क्लासेस डालूंगा मैं। ठीक, तो आप अभी से तैयार हो जाइएगा, एग्जाम इसका जुलाई अगस्त के आसपास हो सकता है, अभी तो नहीं होगा, लेकिन पूरा अगर सीरीज बाई सीरीज अगर करते हो, कोई भी एग्जाम हो, कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, देखेंगे यहाँ पर ऑडियो फाइल फॉर्मेट एग्जाम में पूछा जाता है। पीजी का पूरा नाम यानी कि मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, और आरजीएफ का रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, जबकि म्यूजिकल इंटरचेंज डिजिटल इंटरफेस। ठीक, चलिए अब ये दो क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको मैं नोट करके देखा हूँ। MJPEG यानी कि मोशन ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही कि नहीं, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, MPG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां से देखिएगा, इसको याद अवश्य कीजिएगा। स्ट्रीमिंग होता क्या है, बार बार एग्जाम में पूछा गया, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ लाइन से। स्ट्रीमिंग, एनिमेशन, फनी, ऑडियो, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, यहां से एक बार रिवीजन करिएगा। ठीक, अगर देखिएगा आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा तो मैं क्लासेस नहीं लाऊंगा। ठीक है, बेकार में मैं आप सभी के लिए टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक, जिसको तैयारी करना है, आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, या फिर हमारा नंबर दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप, आप वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रीमिंग होता क्या है, जब वीडियो ऑडियो की फाइल प्ले होती है। ठीक